ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मुझे मालूम है आज आप सब लोग छुट्टी बना रहे अपना घर पे, कंग्रेचुलेशन। जैसे मैं थोड़ा देर पहले फेसबुक लाइव में बताया था, एक एकदम बेहतरीन एक ट्रेनिंग वेबिनार होने वाला है, एक वंडर वुमन फ्रॉम पाकिस्तान, एक लेडी डायमंड यू कैन से, शी इज एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। 2016 में डीएक्सएन स्टार्ट किया, उससे पहले एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहा था। शिपिंग कंपनी में काम करते हुए डीएक्सएन का अपॉर्चुनिटी उसको मिला, उन्होंने डीएक्सएन अपॉर्चुनिटी को ग्राब कर लिया, ग्राब करके बिजनेस स्टार्ट किया है। और कम टाइम का अंदर अंदर, दैट मीन्स 2020 चल रहा है अभी, आपको मालूम है 4 साल का अंदर अंदर वो एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड पोजीशन में ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये कोई छोटा पोजीशन नहीं है, बहुत जल्दी ट्रिपल डायमंड पोजीशन में पहुंचने वाला है। तो शी इज द फर्स्ट लेडी एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड फ्रॉम पाकिस्तान। शी इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पैशनेट लीडर इन डीएक्सएन। बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी देता है, तो आज का ट्रेनिंग आप लोग मिस नहीं करना है। ये जो प्रोग्राम वेबिनार में है, जूम वेबिनार में, प्लस डीएक्सएन मिडिल ईस्ट का फेसबुक पेज में भी आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप अपना दोस्त लोगों को अगर शेयर करना चाहता है, डीएक्सएन मिडिल ईस्ट पेज में जाइए, ये जो लाइव प्रोग्राम आप लोग शेयर कर सकता है। पूरा दुनिया को शेयर कीजिए, अपना दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, अपना मेंबर्स को शेयर कीजिए, अपना लीडर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डीएक्सएन बिजनेस एक नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। जब तक आप नॉलेज इकट्ठे नहीं करेगा, जब तक नॉलेज से पैशन क्रिएट नहीं करेगा, आपका जो सोच, आपका सोचने का तरीका चेंज नहीं करेगा, तब तक आपका एक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर अपना लाइफ में रिजल्ट में कुछ बदलाव आप चाहता है, आपको अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। सोचने का तरीका बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जानकारी इकट्ठे करना है, आपको जो इंफॉर्मेशन इकट्ठे करना है, नॉलेज इकट्ठे करना है। नॉलेज आपको कामयाब बनाएंगे, नॉलेज आपको सोचने का तरीका चेंज करेंगे, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करेंगे। जब थिंकिंग पैटर्न चेंज करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, काम करने का, कुछ भी करने के एक करेज आपका अंदर आएगा, तो आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव करने का दिन आज है। आज आप एक ऐसा लीडर का जो भाषण सुन सकता है, वेबिनार सुन सकता है, तो अगर आप चाहे आपका लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। विद आप सब लोगों का परमिशन से मैं एक मेनास किरण का एक वीडियो दिखा के उसको एक प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो दिखा के मैडम मेनास किरण किरण एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड आपका सामने आएगा। मिस्टर अजमल प्लीज।
Madam Menaskiran, you can start the program now. Madam, please switch on your audio and video. Unmute. Okay. Now it is okay? Yes. Carry on, madam. Where is my screen? Yeah. Can you see my screen? आपका स्लाइड शो कीजिए, स्लाइड शो फुल स्क्रीन कीजिए. ओके ओके या एक्सेलेंट. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन. आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आज हम सीखने के लिए क्या सीखना है कि डीएक्सएन में कामयाब कैसे होना है. मेरा इंट्रोडक्शन तो अभी आपको करवाया है बॉबिन सर ने, मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ. कि मेरा नाम मेहनाज किरण है, 4 साल पहले मैंने डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म को चूज़ किया था और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 4 साल पहले इतना अच्छा फैसला किया था कि आज मैं इतने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ और बहुत कामयाबियों और कामरानियों के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ. अगर मैं 4 साल पहले ये फैसला ना करती तो आज भी मैं नौकरी कर रही होती और धक्के खा रही होती. तो आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हूँ. और ये मेरा ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है. कोई भी मेरा फेसबुक आईडी देखना चाहता है, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन. तो इसमें मैं ये आपको बताती चलूँ कि आज का जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया था कि हाउ टू गेट सक्सेस इन डीएक्सएन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर इंसान अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है आपसे, मैं भी आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ज़िंदगी में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करता है. जो चीज़ आपने की है खुद और वो चीज़ जब आप दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और वो उस चीज़ को प्रैक्टिकल करता है तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है बनिस्बत इसके कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके ऊपर अमल करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता. लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छी चीज़ होती है. तो मैं आज आपको 4 चीज़ें बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट. उन 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताऊंगी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट सक्सेस टिप्स जो मैंने सीखी हैं वो आपको दूंगी. उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या है, कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से वाबस्ता हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करके हम अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं. इसी तरह से तीसरी चीज़ हम जो बहुत ज़्यादा आजकल की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं, मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताऊँगी जो कि मैं खुद कर रही हूँ और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी. चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए बहुत बेहतरीन बिजनेस है. तो इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे कि इस बिज़नेस में आकर हमारी बहनें किस तरह से काम कर सकती हैं और क्या इसमें फ़ायदे उठा सकती हैं और दुनिया भर में किस तरह से लेडीज़ इसमें कामयाब हो रही हैं और आगे बढ़ती चली जा रही. और फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर देख लेंगे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका भी जवाब ज़रूर दे दूँगी इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सक्सेस टिप्स में जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सक्सेस टिप मैं आपको देने वाली हूँ वो हमेशा मैं देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि 2 चीज़ें इंसान को कामयाब बनाती हैं. अगर आपने उन 2 चीज़ों को पकड़ लिया तो आपको दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती. वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? 2 चीज़ें हैं ग्रेटिट्यूड एंड पेशेंस, यानी कि सब्र और शुक्र. पेशेंस का मतलब होता है सब्र और ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी. शुक्र आपको किस किस चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए? आपको उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है. जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर होते साथ कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म अता किया.
अब इसी तरह से अपनी अपलाइन का शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया उनका बहुत बहुत कि उन्होंने आपको इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म जो है वो दिखा दिया। इसके साथ साथ अपनी डाउनलाइन का शुक्रिया अदा करें कि वो लोग आपके साथ जुड़कर आपके साथ मेहनत करके आपकी बातों को मानकर आपको फॉलो करके बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह से आपके तमाम जितने भी डीएक्सएन फैमिली मेम्बर्स भी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करें, जितने भी आपको लोग सिखाते हैं, टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, यहाँ पे लीडर्स हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करें और अपने अपने दिल से जो है ना आप इस चीज़ को मान लें कि भाई हमारा जो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर वो सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नेमत आई है शुक्रिया के लिए ना। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, साथ में सबका करना चाहिए। अच्छा, पेशेंस किस किस चीज़ों में रखनी चाहिए, सब्र कहाँ कहाँ रखना चाहिए? सब्र बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया था 4-5 महीने, कई लोग ऐसे थे जो कि बेचारे बिल्कुल परेशान हो गए थे कि हम काम कैसे करें, और कुछ लोग ऐसे थे जो कि ज़्यादा खुश थे कि अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से काम करके शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का लगे रहे और बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहे। और मैंने भी अल्लाह का शुक्र है लॉकडाउन के दिनों में ज़्यादा अच्छा काम किया और बल्कि अपना रैंक भी अपडेट किया। यानी कि आप लोगों को जब आप शुक्र अदा करते हैं और आप सब्र करते हैं तो आपके काम खुद ब खुद अल्लाह ताला आसान करता है। तो ये दो चीज़ों को आपने बहुत फॉलो करना है। कुरान पाक में भी हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ है कि इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, अगर आप शुक्रगुजार होंगे तो मैं आपको और भी अता फरमाऊंगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है? टाइम। डीएक्सएन में आपको पता है कि आप क्या चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। डीएक्सएन में हम कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाते किसी का भी। डीएक्सएन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी काम करना चाहते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत तेजी से भाग रहा है, रुकता नहीं है, वो किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है, टाइम चलता ही जाएगा। वाहिद चीज़ है टाइम जो एक दफा गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। अभी 4 बजे का सेशन है या पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 4 बजे का सेशन है, 4 बजे शुरू हो गया ना, अब ये टाइम गुजर जाता और अगर हम ना करते तो टाइम तो वहाँ नहीं रुकता हमारे लिए, टाइम गुजर जाता। आपने दुनिया में कोई भी काम करना है तो टाइम को पकड़ के रखना है, टाइम को कंट्रोल में रखना है, उसके हिसाब से चलते जाना है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, अपने तमाम चीज़ों को मैनेज करना है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको आ गई तो आप बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आई तो बिजनेस में कामयाब होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वही 24 आवर्स एक कामयाब लीडर के पास भी होते हैं, वही 24 आवर्स एक आम मेंबर के पास भी होते हैं, वही 24 आवर्स जो कि 24 घंटे मुझे मिल रहे हैं आपको भी मिल रहे हैं। तो हमें उसमें क्या करना है ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या करना है, अपने बिजनेस को हमने टाइम के हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, मीटिंग करनी है, किसी से हमने बात करनी है, हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। इन चीज़ों में मैं भी कई जगह पे लैकिंग करती हूँ। जब हम लैकिंग करते हैं टाइम मैनेजमेंट में तो हम नुकसान भी उठाते हैं, तो हमें टाइम को पकड़ के रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि जब आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है बिलीव। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है, अगर आपको भरोसा है कि आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपका भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए, उसके बाद आपका भरोसा आपके ऊपर खुद होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कोई भी दुनिया का काम कर सकते हैं। तीसरा भरोसा आपको होना चाहिए कंपनी के ऊपर, हमारी एक अच्छी कंपनी हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसको उसके साथ जुड़कर अब हमने काम करना है। प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमारे दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भरोसा है तो हम अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को भी ब्रांड कर सकते हैं। बिजनेस के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यहीं से हमने अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करना है। जब आप इन तमाम चीज़ों पे भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह ताला दुनिया में आपके लिए सक्सेस जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और डीएक्सएन में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमारे तमाम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फिर आप इनको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा फार्मूला ही यूज़ एंड शेयर का है। ये मैंने इसकी स्लाइड डाली है कि इसमें कुछ नए लोग भी हैं, उनको पता चल जाए कि हमारा बहुत आसान और सिंपल बिजनेस है यूज़ एंड शेयर का। आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपको अच्छी लगी आपने आगे दूसरे को बता देनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए कामयाब होना बहुत आसान है। और एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी, माशाल्लाह देखिए ये क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, ये यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जब ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ब्रांड करने में क्या मुश्किल है,
आप लोगों को इस्तेमाल करने में और करवाने में क्या मुश्किल है, तो आप भी करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि आपको अगर कामयाब होना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। कोई भी शख्स ये सोचता है कि मैं डीएक्सएन से जुड़ता हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ता हूँ और एक ही महीने में या दो महीने में कामयाब हो जाऊंगा, तो वो गलत है। आपको 5 साल तक कम अज कम जुड़ना है। मुझे 4 साल हो गए डीएक्सएन में, कम अज कम 5 साल तक आपको अपने डीएक्सएन के साथ जुड़ना है और उसके साथ मेहनत करनी है, और तो फिर आप अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, गो स्ट्रेट। ये डॉक्टर लिम ने हमें बहुत अच्छी बात बता दी है। और अब तो ये भी है हमारे पास आसानी कि हम बिल्कुल भी इधर उधर ना देखें, सीधे के सीधे चलते चले जाएं। ऑनलाइन बिजनेस का सहारा अगर हम लेते हैं तो उसमें तो हम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी लाजमी है, मुस्तकिल मिजाजी लाजमी है। आपने मुस्तकिल लगे रहना है, मुस्तकिल जुड़े रहना है, मुस्तकिल मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि एक दिन आपने किसी को बता दिया कि भाई हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है और अगले दिन आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कल तो बताया था। ऐसा नहीं चलेगा। आपको रोजाना 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 लगातार वही मेहनत करनी है जो कि आप पहले दिन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप इस तरीके से करेंगे कि सक्सेस फार्मूला मैं आपको देती हूँ, सक्सेस फार्मूला मैं हमेशा देती हूँ, ये मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि ये हम सब लोग कर रहे हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ करते जाते हैं, करते जाते हैं काम, करते जाते हैं बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, बस भाई करते जा रहे हैं। जिस दिशा में लगे हुए हैं ना, 10 साल से लगे हुए तो 10 साल से लगे हुए, 20 साल से लगे हुए तो 20 साल से लगे हुए, यानी कि वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहे, अपने तरीके को भी चेंज नहीं कर रहे, अपने आप को बेहतरी की तरफ भी नहीं लेके जाना चाह रहे। भाई आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, अगर उसी तरीके से काम करते रहोगे तो अगले 10 साल तक भी वैसे ही करते रहोगे, तो रिजल्ट भी तो वही आता रहेगा जो 10 साल से आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट कुछ नया आ जाए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो कुछ नया करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप सिर्फ करते रहेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीखते रहेंगे तो फिर भी रिजल्ट जीरो आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हर ट्रेनिंग में नजर आएंगे आपको, लेकिन काम में वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, या वो लोगों से बात नहीं कर रहे होते, या वो चीज़ों को डुप्लीकेट नहीं कर रहे होते, या वो चीज़ों को समझ नहीं रहे होते। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ आपको बतानी है कि आपने करते रहना है ये नहीं करना, आपने सीखते रहना है ये नहीं करना, और क्या नहीं करना, आपने ये भी नहीं करना कि पहले आप उल्टा सीधा कर लें उसके बाद आप सीखें। तो आपने ये भी इस तरीके से भी करेंगे तो रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा। तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव कैसे आएगा, रिजल्ट आपका सक्सेस कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा लर्न प्लस डू। यानी कि आपको पहले सीखना होगा, जैसे कि आज आप कुछ सीख रहे हैं उसमें जो चीजें समझ में आ रही हैं, फिर उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, उसके ऊपर आपको अमल करना होगा, दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, फिर आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला सक्सेस होगा और आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको इतना बताती चलूं कि लर्निंग इज द की टू सक्सेस, बिल्कुल है, कामयाबी की चाबी है, लेकिन यू विल हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना होगा लाजमी, बिना एक्शन के कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्शन लेना होगा ताकि आप कामयाबी को हासिल कर सकें। ठीक है, तो कामयाबी के टिप्स मैं बता रही हूँ अभी आपको, तो कामयाबी के टिप्स नोट करते जाएं और उस पर अमल करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर पैदा करें। लीडरशिप स्किल्स पैदा करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। लीडर जो होता है ना, वो हमेशा करके दिखाता है कि भाई ये काम ऐसे होगा। आपने एक दफा अपनी टीम को करके दिखाना है, खुद बात करके दिखानी है प्रोस्पेक्ट्स के साथ, आपने लोगों के साथ मिलके दिखाना है, आपने उसको गाइड करके दिखाना है। जब आप अपने टीम को इस तरीके से लीड करेंगे, इस तरीके से गाइड करेंगे कि उनको तमाम चीजें करके दिखाएंगे, तो उनके लिए सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, लीडर के अंदर क्वालिटी क्या होती है, वो लोगों को एम्पावर करता है, लोगों को स्ट्रांग करता है। किस तरह से स्ट्रांग करेगा, नॉलेज दे के स्ट्रांग करेगा, उनको काम सिखा के स्ट्रांग करेगा, उनको इस तरीके से चलाएगा कि वो अपना कुछ पैसा बनाने लग जाए, वो अच्छे तरीके से अपनी टीमों को लीड कर सके, उनमें वो तमाम चीज़ें डुप्लीकेट करेगा, वो क्वालिटीज डुप्लीकेट करेगा जो कि उसके पास मौजूद होंगी। और लीडर जो है ना, उसकी पर्सनैलिटी से उससे इंस्पायर होने चाहिए लोग, बहुत ज़्यादा इस तरह की पर्सनैलिटी हो कि पता चले कि हाँ भाई लीडर है, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज कैसे आएंगी, आपके उठने से, आपके चलने से, आपके बैठने से,
आपके ओढ़ने से, आपके पहनने से, आप किस तरह से किसी से बात कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये तमाम चीजें काउंट करती हैं। तो ये तमाम स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, इसके बिना आप अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाएंगे। आपको दूसरी बात एक और बताती जाऊं कि अपना विजन जो आपका है वो आपकी टीम की विजन के साथ मैच होना चाहिए। अगर आप हेल्प कर रहे हैं, मेरा विजन है कि हेल्प अदर्स एंड डू डुप्लीकेशन ऑफ दिस हेल्प, तो मेरी टीम भी सारी इसी को फॉलो कर रही है। वी आर एक्चुअली फॉलोइंग द मिशन ऑफ डॉक्टर लिम। डॉक्टर लिम का जो विजन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना, हमारा वो मिशन है कि भाई उसे हमने पूरा करना है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल सिर्फ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी कि कौन से बुनियादी पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, या आपको जब नया कोई साथी आपके साथ ज्वाइन होता है उसको पता होने चाहिए कि वो किस तरह से बिजनेस को स्टार्ट करे। आज अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन हुआ है तो मैं उसको पहले दिन बेसिक ट्रेनिंग देती हूँ कि भाई पहले दिन आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है। एक्सक्यूज मी, ड्रीम लिस्ट उसमें सबसे पहली चीज आ जाती है। ड्रीम लिस्ट से मुराद है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप डीएक्शन से क्या हासिल करना चाहते हैं, आप 3 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको पता हो कि आपका वाई क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम अपने सेट कर देने हैं। आपके ड्रीम सेट हो जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से उनको पूरा करने में लग जाएंगे। जब आपके कोई ड्रीम ही नहीं होंगे, कोई आपका कोई मकसद ही नहीं होगा, तो आप किस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप बताइए। इसलिए, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं या जो भी चीज़ आप डीएक्शन से अचीव करेंगे, उसको अचीव करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत है। हमारा बिजनेस पीपल कल्चर बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल होंगे, उतना ही हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा, उतना ही बिजनेस हमारा बेहतर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जहन में रखना है कि हमें अपने साथ नेम लिस्ट बनानी है। और नेम लिस्ट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, आप किसी भी शादी कर रहे हैं अपने भाई की, बहन की, तो उसके लिए भी तो नेम लिस्ट बनाते हैं कि भाई किस किस को बुलाना है। किसी की बर्थडे करते हैं तो उसलिए भी तो बुलाते हैं कि भाई क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, क्यों जो है ना नेम लिस्ट बनानी है, किस किस को बुलाएंगे, किस किस को नहीं बुलाएंगे। इसी तरह से जब आप यहाँ तक के मार्केट भी जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, तब भी आप नेम लिस्ट बना, वो लिस्ट बना रहे होते हैं कि मुझे ये सामान लेके आना है। तो जब आप इतना इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस में अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हैं और आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, उस सूरत में अगर आपके पास नेम लिस्ट अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो आप किस तरह से कामयाब हो। आपको नेम लिस्ट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको तीसरी चीज़ बताती चलूँ, ये प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से मुराद है कि आपको किन किन लोगों से बात करनी है, कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आ सकते हैं, कौन कौन लोग होंगे। फ्रेंड्स में से हो सकते हैं, फैमिली में से हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में ऑफिस कोलीग्स में से हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे से हमें बहुत अच्छे लोग मिल सकते हैं। इसी तरीके से जो है ना अननोन लोग होते हैं, कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग नोन होते हैं और वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं काम। और मैं आपको इतना बताती चलूँ कि प्रोस्पेक्टिंग में आपको कमांड हासिल करनी है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है, नेटवर्किंग की बैकबोन। अगर कोई पूछे क्या है या लाइफ ब्लड क्या है, प्रोस्पेक्टिंग हमारा नेटवर्किंग का लाइफ ब्लड है। अगर आप चाहते हो बिजनेस फास्ट हो जाए, अगर आप चाहते हो बिजनेस स्ट्रांग हो जाए, अगर आप चाहते हो बिजनेस अच्छा हो जाए, तो प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर लो। सिलेक्शन, अच्छा जो लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आपको जो है ना क्या कहते हैं 6 लोग कामयाब करते हैं। स्टार्ट में हम लोग 6 लोगों को लेते हैं ना, उसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है कि मुझे किस किस को अपने साथ शामिल करना है। उसके साथ इनविटेशन, आपने किस तरह से इनविटेशन देना है, इनविटेशन कैसा होना चाहिए। इनविटेशन हमेशा 3 चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, इनविटेशन हमेशा सिंपल होना चाहिए और इनविटेशन हमेशा सस्पेंसिव होना चाहिए। ये 3 चीज़ों का अगर आपने ख्याल कर लिया इनविटेशन में, किसी को भी दावत देने में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। आपको जहन में क्या रखना है, आपने जब भी किसी को इनवाइट करना है तो आपने उसको पूरी कहानी डीएक्शन की नहीं सुनानी, आपने उसको बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करनी, आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करनी, उसको सिंपल बात करनी है, आसान बात करनी है और शॉर्ट बात करनी है। ये बातें आपने ख्याल करना है।
वेलकम करना है। जब कोई गेस्ट आपके पास आता है तो डेफिनेटली आप उसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। आपने डायरेक्टली उसको आते साथ ही नहीं बिजनेस के बारे में बताना होता, पहले उसको बुला के आराम से बिठाएं, पानी वानी पूछें, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको खुद पूछें उससे कि क्या आपको नीड जहन में होगी कि वो सेहत के लिए आया है, तो उस हिसाब से उसको गाइड करेंगे। अगर वो पैसे के लिए आया है तो आप उसको बिजनेस के हवाले से गाइड करेंगे, जो उसकी नीड है उस हिसाब से उसको आपने गाइड करना है। और प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन हमेशा आपकी नीड के हिसाब से होनी चाहिए और नेचुरल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दो दो घंटे तीन तीन घंटे की प्रेजेंटेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जितनी जल्दी आप लोगों को गाइड करेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करेंगे, तो लोग बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। मार्केटिंग प्लान उसको देना है जिसको आपको मतलब बिजनेस, जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए कोई आया है तो वो मार्केटिंग प्लान डेफिनेटली आपसे पूछेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि मार्केटिंग प्लान मैं अपने मेंबर्स जब मैं ज्वाइन करवा लेती हूँ उस वक्त उनको, बाद में जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ जुड़ते हैं उस वक्त मैं ज़्यादा डिटेल में उनको समझाती हूँ। जब वो मेरे साथ शुरू शुरू में जुड़ रहे होते हैं, अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं तो सिर्फ उनको ये बताना ही काफ़ी होता है कि उनको डेली इनकम कैसे आएगी, उनको मंथली इनकम कैसे आएगी, इतना बताना ही उनके लिए काफ़ी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिसने ज्वाइन नहीं भी करना उस पर भी चार चार घंटे ज़ाया करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। शेयरिंग करवानी है किसी भी सीनियर से, आप शेयरिंग करवा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन ये भी कि शेयरिंग एक या दो लोगों से बहुत होती है, कई लोग होते हैं 10-10 लोगों से मिलवा रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से मुराद जब कोई प्रोस्पेक्ट जा रहा होता है वापस, उस वक्त आपने उसको गाइड करना होता है, उस वक्त उसका ब्रेन वॉश करना होता है, उस वक्त आपने उसको कुछ टिप्स देनी होती हैं, उस वक्त आपने उसको ये बताना होता है कि भाई आपने जो है ना क्या कहते हैं लिख लेना है, कोई भी आपके माइंड में आइडिया आए तो आपने पॉइंट आउट कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने तीसरी चीज़ उसको ये बतानी होती है कि कोई भी आपको क्वेश्चन आए वो आपने राइट डाउन करना है, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फॉलो अप। फिर आपने 24 आवर्स के बाद ही करना होता है या उसके दौरान करना होता है। ये नहीं होता कि भाई आप फौरन अभी सीढ़ियों उतर के नीचे जाता है प्रॉस्पेक्ट तो आप फ़ोन करके पूछते हैं हाँ भाई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस तरह से तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, लोग आपसे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि लोग आपसे परेशान हो जाएं। और फॉलो अप कॉल बार बार नहीं करते, जैसे कि आपने किसी को कॉल किया अगर वो बिजी है तो आपने उसको थोड़ी देर टाइम देना है, ये नहीं कि 5-5 मिनट के बाद आप उसको कॉल करके इरीटेट कर दें, वो बंदा परेशान हो जाए कि भाई इतनी कॉल्स कर रहे हैं आप उसे। क्लोजिंग हो जाती है, जाहिर है आपको पता है क्लोजिंग किस तरह से होती है, ज्वाइनिंग किस तरह से होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप क्लोज कर लें उसको। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, वो है टीच एंड ट्रेन करना। किसी भी मेंबर को जब आप अपने साथ जोड़ें तो आप जिम्मेदारी लें जैसे कि अपनी औलाद है। मेंबर या कोई भी टीम का मेंबर जो हमारे साथ ज्वाइन होता है वो हमारी औलाद की तरह होता है। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं मैं सबको, चाहे वो मुझसे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि आप मेरी औलाद की तरह हैं। जो मैं अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचती हूँ वही मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ। उसी तरह से मुझे आपको ट्रेंड करना है, उसी तरह से मुझे आपकी तरबियत करनी है, उसी तरह से मुझे आपको सिखाना है जैसे कि हम अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। तो आपको भी अपनी टीम के साथ टीच एंड ट्रेंड करना है। क्या क्या चीज़ें सिखानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉम्ब सिखाना होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कैसे देनी है, लोगों से बात कैसे करनी है, ये बेसिक ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, मार्केटिंग प्लान कैसे होता है, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सिखाने हैं, वेबसाइट कैसे यूज़ करनी है, कीवर्ड वगैरह सारी चीज़ें उनको सिखानी होती हैं, ये सब कुछ आपका काम है। अच्छा जी, इसके बाद हमने डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन भी, ये भी सक्सेस टिप्स में आ जाता है ना कि डेली आप क्या कर रहे हो। आप डेली क्या कर रहे हैं, नए लोगों से बात करते रहें ऑनलाइन और ऑफलाइन जो जैसे भी करना चाहते हैं। फॉलो अप करें कंज्यूमर्स के साथ जिनको आपने प्रोडक्ट दिया था, बेशक 4 दिन पहले दिया, बेशक 1 महीना पहले दिया, लोग 4-4 महीने तक भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया उसको 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के बाद फ़ोन करके पूछें कि तबीयत कैसी है भाई, खैरियत से हो, यूज़ कर रहे हो प्रॉपर, बीच में नागा तो नहीं कर रहे। इस तरह से ये होगा कि आपका पता चलेगा कि आप कितना एहसास करते हैं उसका, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेशेंट के ऊपर भी और आपके कंज्यूमर के ऊपर भी, कि वो कहेगा कि आपको उसकी फिक्र है। आप खाली प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप उसका ख्याल भी कर रहे हो। मेंबर्स के साथ भी फॉलो अप करना चाहिए, वो तो हम डेली करते हैं लेकिन करना चाहिए लाजमी।
लीडर्स के साथ अपने जो होते हैं डायमंड, उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, चेकिंग ई वर्ल्ड वेबसाइट ये लाजमी डेली करवाएं सबसे। ये लोग डेली नहीं चेक करते तो इसमें काफी चीजें मिस हो जाती हैं। आपको पता है हमारी वेबसाइट माशाल्लाह से जब से मैं आई हूँ मैं इसको डेली तकरीबन चेक करती हूँ, अक्सर ये चेंज होती रहती है, इसमें बहुत सारी चीजें मजीद ऐड होती रहती हैं और उसको अपग्रेड करते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलती हैं। अथेंटिक सेंटेंसेस हमें मिल जाते हैं, वो सेंटेंसेस जो कि हमारे माइंड में भी नहीं आ रहे होते, वो अथेंटिक जुमले बिजनेस के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से इसमें लिखे हुए होते हैं। तो आप लोग अगर वेबसाइट को यूज करेंगे तो आपकी बात अथेंटिक होगी, आप जो भी बात किसी से करेंगे उस बात में वजन होगा, तो हमेशा वो बात करें जिसमें वजन हो। तो आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तमाम जितने भी व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं उसमें और क्या कहते हैं जो ईमेल वगैरह आती हैं उसको रिप्लाई करें। उसके बाद क्या है, चेकिंग ऑल फेसबुक मैसेजेस। फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, थाउजेंड्स मैसेजेस होते हैं क्योंकि फेसबुक के थ्रू ज्यादा काम हो रहा है, तो मैसेजेस को लुकअप नहीं करना होता, मैसेजेस को कोशिश करें रिप्लाई करें। अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि ऐसा ऐसा टाइम निकाल के करती रहती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैसेजेस को रिप्लाई देना है, दो दिन से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए असूलन। इनवाइट क्या करना है, अपने नए फ्रेंड्स को फेसबुक पे भी अपने नए कनेक्शन बिल्ड करें, 5000 मैक्सिमम आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। जूम मीटिंग्स करें जिससे आपकी टीम मीटिंग भी हो सकती है, आपके नए प्रोस्पेक्ट के साथ भी मीटिंग हो सकती है, जूम पे बहुत इफेक्टिव मीटिंग होती है, तो जूम पे मीटिंग्स आप करें। सक्सेस टिप्स के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज़्यादा आज मेरा फोकस होगा, वो है हाउ टू डू डीएक्सएन बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको मैं ये बताती चलूँ कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या मॉड्स होते हैं। बहुत सारे मॉड्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल्स हैं हमारे पास, यानी कि अगर आप लिंक्डइन पे चले जाएंगे तो बेशुमार प्रोफेशनल आपको लोग मिल जाते हैं, प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं। इसी तरह से ट्विटर है, लिंक्डइन है और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बेशुमार हमारे पास मॉड्स हैं। लेकिन मैं लिंक्डइन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने लिंक्डइन को इसमें मेंशन नहीं किया, सिर्फ 3-4 मैंने मेंशन किए हैं ताकि मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दे सकूँ, आपको पता चल सके कि किस तरह से हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और किस तरह से हम घर में बैठकर ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग घर में बैठकर ये काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब के साथ में इसको लेके चलना चाहते हैं, तो वो किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं और मैं क्या कर रही हूँ, मैं जनरल चीज़ें कर रही हूँ, किस तरह से कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाले। तो मेन हमारा जो सोशल मीडिया का मास्टर है या फिर कहना चाहिए कि जो सबसे बेहतरीन मॉड है वो है फेसबुक। फेसबुक पे बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग भी कर सकते हैं और तमाम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रुप्स बना सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप का भी बहुत अच्छा रोल है, इसमें आप रूम क्रिएट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें प्राइवेसी के साथ आप मीटिंग्स कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इसमें ट्रिप्लिका कॉल पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि जैसे मैं अपनी टीम में अपने लीडर्स को बोला हुआ है, कोई मेरा डायरेक्ट लीडर है, अगर उसकी टीम में कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है वो मुझसे मीटिंग करवाना चाहता है तो वी यूजुअली डू ट्रिप्लिका कॉल। हम तीन लोग आपस में बात करते हैं तो हम एक दूसरे को मैं समझा देती हूँ तो वो दोनों को समझ में आ जाता है, प्रोस्पेक्ट को भी और मेरे मेम्बर को भी। तो इस तरह से ट्रिप्लिका कॉल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। और मैसेंजर पे तो ऑफकोर्स हमारा काम चल ही मैसेंजर पे रहा है, ज़्यादातर नए प्रोस्पेक्ट आजकल जो मिल रहे हैं मैसेंजर के थ्रू मिल रहे हैं, जूम के थ्रू भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। लेकिन मेन जो आ जाता है हमारा फेसबुक आ जाता है, तो मैं फेसबुक के ऊपर जो बात करूँगी आपसे, फेसबुक पे जो मैं काम कर रही हूँ उस पर सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, फेसबुक प्रोफाइल आ जाती है, ये बात आप लोगों को सबको पता है। दूसरी चीज़ आ जाती है फेसबुक पेज, कि आपको अपना एक ऑफिशियल पेज होना चाहिए, और इसी तरह से फेसबुक ग्रुप। जैसे कि मेरी अपनी प्रोफाइल जो है मेहनाज किरण के नाम से है, ठीक है, मेरा जो प्रोफेशनल पेज है वो है, मेरा जो ब्रांड है वो की टू सक्सेस है, मेरा पेज की टू सक्सेस के नाम से है, मेरा एक पब्लिक ग्रुप है की टू सक्सेस के नाम से। ग्रुप के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्राइवेट ग्रुप आ जाता है और एक पब्लिक ग्रुप आ जाता है। जो पब्लिक ग्रुप आ जाता है वो तो डीएक्सएन के तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं, उसमें सारे लोग होते हैं, तो वो हमारा पब्लिक ग्रुप कहलाता है, वो की टू सक्सेस है।
इसी तरह से मेरा एक प्राइवेट ग्रुप भी है, वो जो मैं सिर्फ अपनी टीम को कोचिंग करने के लिए यूज करती हूँ, वो मेरा है द अल्टीमेट अचीवर्स। तो उसमें मेरे टीम के मेंबर्स हैं सिर्फ, उसमें मैं अपने सिर्फ टीम मेंबर्स को कोच कर रही होती हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है अपनी टीम के साथ कैटेगराइज करने के लिए, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे। और मैं ये बताती चलूँ कि फेसबुक प्रोफाइल जो है ना, इसके ऊपर अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो DXN के जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनको अपने साथ में ऐड ना करें। बराए मेहरबानी उन लोगों को अपने ग्रुप में मूव कर दीजिए, तो उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ नए लोगों को फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उससे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा फास्ट जो प्रोस्पेक्टिंग मोड है वो हमारी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को कैसा होना चाहिए, मैं आपको अपनी प्रोफाइल से ही एग्जांपल दे सकती हूँ, लेकिन पहले मैं बताऊँ, प्रोफेशनल लुक होना चाहिए उसके अंदर। उसके अंदर तमाम अबाउट के अंदर इंफॉर्मेशन भी फिल्ड होनी चाहिए। प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए आपका। टैगलाइन भी उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ही होनी चाहिए। बैकग्राउंड फ़ोटो जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो आपकी, कि आपकी प्रोफाइल देखकर लोग अट्रैक्ट हों आपकी तरफ। पब्लिक है या क्या है, प्राइवेट की भी आपने अपनी प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी। प्रोफाइल की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अपनी, के देखें मैंने अपनी जो फ़ोटो लगाई हुई है, प्रोफेशनल फ़ोटो लगाई हुई है। लोग यहाँ पर फूलों की तस्वीर लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं, तो वो गलत है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप अपनी पिक्चर को ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए आपका। बैकग्राउंड बड़ा प्रोफेशनल और डिसेंट सा होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल अट्रैक्ट करे लोगों को। ये आपकी जो टैग लाइन होती है, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मॉम एंटरप्रेन्योर और हेल्पिंग पीपल। मैं यानी कि लोगों को मदद कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने टैग लाइन अपनी बनाई हुई है। आप तो कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, अबाउट कॉलम में भी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, ये तमाम चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। देखिए मेरे 5000 माशाल्लाह कॉन्टेक्ट्स हो गए ऑलरेडी, तो फॉलोवर्स बढ़ना शुरू हो गए। फॉलोवर्स मेरे 4582 फॉलोवर्स भी हो गए, तो ये भी बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ऐसा ऐसा ये तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट्स में आपकी लिमिट होती है कि 5000 मैक्सिमम हो रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि प्रोफाइल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट पोस्ट है वो कर सकते हैं। पोस्ट क्या कर सकते हैं आप, टेक्स्ट को पोस्ट कर सकते हैं। जब आप कोई भी टेक्स्ट पोस्ट करेंगे, जब मैं इस तरह से कोई भी मैसेज करती हूँ, तो लोगों को इस तरह का मैसेज करती हूँ कि लोग मुझे उस पर रिस्पॉन्स दें, लोग मेरे साथ इंगेज हो जाएं, लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो ये सारे थीम्स हैं उसके, जो मैं बताती हूँ आपको अभी इसके बारे में ना, कि किस तरह से लोगों को कनेक्ट करना है। पोस्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं। फोटो के साथ के अलावा आप कोई भी कोट, किसी भी सक्सेसफुल लीडर की, किसी भी सक्सेसफुल उसकी कोट आप पोस्ट कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इंगेजमेंट्स आपकी बहुत अच्छी होती है। कोई वीडियो आप ऐसी पोस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर लोग आपको रिस्पॉन्स करें। फेसबुक लाइव सबसे ज़्यादा फास्ट है, जिसमें आप इंगेज कर सकते हैं लोगों को अपने साथ। मेरी माशाल्लाह वीडियोस के ऊपर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ या कर रही हूँ, मोर देन 1000 व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए आ रहे हैं कि लाइव जो है बहुत ज़्यादा फास्ट इसमें रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो फोकस करें कि लाइव के थ्रू लोगों को कनेक्ट करें। लेकिन लाइव में क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग लाइव में जाके भी DXN की बात करते हैं, तो मैंने उसके लिए बड़ा रिसर्च किया है। आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले पोस्ट या फिर लाइव कितनी किस्म की होती है। सबसे पहले नंबर पे होती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब होता है मैंने कोई ऐसी बात लिखी है जिस पे मुझे सामने वाला रिप्लाई करेगा, यानी कि दिस एंड दैट। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी बात लिख दी एंड्रॉयड, और कह दिया कि भाई एंड्रॉयड चाहिए या आईफोन चाहिए, तो लोगों ने सबने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। कोई कहेगा आईफोन चाहिए, कोई कहेगा एंड्रॉयड चाहिए, कोई कहेगा कुछ चाहिए। एक्सक्यूज मी, अगर मैंने लिख दिया कॉफ़ी चाहिए या टी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी और टी, ऑप्शंस डाल दिए, पिक्चर्स डाल दी, कुछ भी डाल दिए, तो इंगेजमेंट उसको कहते हैं, कि जो आपकी इंगेज करे लोगों को, आपके साथ में कनेक्ट करे। क्योंकि जब तक लोग आपसे इंगेज नहीं होंगे, लोग आपकी प्रोफाइल के पास आएंगे नहीं, लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा काम तो लोगों वाला है ना, तो लोगों से काम करने के लिए हमें क्या करना है, इंगेजमेंट पोस्ट
या एंगेजमेंट लाइव क्रिएट करनी है, उसके साथ साथ कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है कोई भी आप ऐसी बात करें जिस पे लोग कनेक्ट हो, खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो सुने आपकी बात को ना। जैसे कि आप हॉबीज के लिए बात कर रहे हैं, किसी और चीज पे बात कर सकते हैं, ऐसी जर्नल पे बात कर सकते हैं, करंट इश्यूज पे बात कर सकते हैं जिससे लोग आपकी तरफ खुद ब खुद कनेक्ट हो जाते हैं। एक होती है क्यूरियोसिटी पोस्ट। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस। आपने कभी भी अपने प्रोडक्ट को या बिजनेस को ब्रांड करना है तो आप डायरेक्टली बिजनेस का नाम नहीं लें, डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम नहीं लें, आप सिर्फ बेनिफिट शेयर कर दें कि भाई ये बेनिफिट्स हैं, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं इसकी एग्जांपल्स भी दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस में क्या फर्क है। और चौथी अप्रोच क्या होती है, सेल बाय टीचिंग अप्रोच होती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अगर इस वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको काफी आसान हो जाएगा किस तरह से प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है। ऑटोमेटिकली हम लोग कुछ बेच नहीं रहे लेकिन सब कुछ बिक रहा है। हम लोग किसी को डीएक्सएन का बोल नहीं रहे लेकिन सब लोग डीएक्सएन में ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग किसी को प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं लेकिन लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं मुझसे। तो ये वाली कहानी करनी है। अच्छा, ये मैंने आपको सबसे पहली एग्जाम्पल दी है एंगेजमेंट पोस्ट। एंगेजमेंट दो पोस्ट मैंने सामने डाली हुई है। ये देखें, जैसे चार पिक्चर्स हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। मैंने ये चार पिक्चर्स डाली और मैंने कहा कि भाई मुझे इसमें से बताएं सबसे बेस्ट कौन सी है। आप यकीन करेंगे 756 इस पे 756 रिप्लाईज आए, कमेंट्स आए इसके ऊपर। 756 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया, यानी कि इतने सारे 750 लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए। वैसे मैं अगर 750 लोगों के पास जाना शुरू करती कितना टाइम लगता? बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अगर मैं 700 या 750 लोगों को अप्रोच करती तो बहुत टाइम लगता, लेकिन मुझे 750 लोगों ने अप्रोच किया। अब मैं इन लोगों के साथ खुद बहुत अच्छे तरीके से बात करके, कमेंट करके, उनके इनबॉक्स में भी बात करके उनके साथ बिजनेस डेवलप कर सकती हूँ। तो ये तरीका है कि बस आपने किस तरह से लोगों को इंगेज करना है। इस तरह से भी आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन कर दिया कि आर यू स्टूडेंट। अगर आर यू स्टूडेंट लिखा तो उस पर भी देखें 127 लोगों ने कमेंट कर दिया। सब लोगों ने बताया कि मैं BMS कर रहा हूँ, मैं BCom कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। सब लोगों ने अपने बारे में बताया। जब अपने बारे में सब लोगों ने बताया तो उनसे फ्यूचर प्लान्स पूछ लें, आप उनसे आगे की बात कर लें। यानी कि आपको तो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बहाना चाहिए। तो लोगों से बात करने के लिए इस तरह से शुरू करें। DXN की कोई चीज़ मेरी प्रोफाइल पर आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लोगों को मेरे पास लेकर आ रही है। तो लोग जब आपके साथ आते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते भी हैं और उनको आसान भी लगता है। जब आप सेल्सी या पुशी लग रहे होते हैं, यानी कि आप सेल्स कर रहे होते हैं, आप डायरेक्टली बोल रहे हैं भाई ये फायरोलिना ले लो या फिर ये मोरंदी ले लो, ये इतने की है, इसका ये फ़ायदा है, तो लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह से जर्नली जब आप किसी को कनेक्ट करते हैं, जब आप जर्नली किसी को अप्रोच करते हैं, तो लोग आपको अच्छे तरीके से सुनते हैं, आपकी बात को समझते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज, ये कनेक्शन के बारे में मैंने बताया हुआ। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए लाइव भी क्रिएट की जा सकती है। मैंने जर्नली अपनी हॉबीज के बारे में बात की थी तो सब लोग अपनी अपनी हॉबीज बताने लग गए थे। मैंने जर्नली बात की थी वैसे ही हॉबीज के बारे में, तो माशाल्लाह उस पर भी बहुत अच्छा फीडबैक आया था। आप लोग लाइक और कमेंट देख सकते हैं, कितने अच्छे लाइक और कमेंट हर चीज़ पे आए हुए हैं। इसी तरह से ये एक मैंने पोस्ट डाली हुई है, इसमें मैंने बिजनेस के बारे में बताया है लेकिन बिजनेस के बारे में नाम नहीं लिखा कि DXN कर रही हूँ। मैंने इसमें सिंपल ये लिखा है, माई बिजनेस कैन हेल्प यू टू गेट फ्रीडम। मेरा बिजनेस आपको फ्रीडम दिलवा सकता है। कौन कौन सी? हेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, स्ट्रेस फ्रीडम, ट्रेवल फ्रीडम, ग्रोथ फ्रीडम, फ्रीडम टू गिव। ये सारी फ्रीडम्स मिल सकती हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप इनबॉक्स कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से मैंने बिजनेस के बारे में दोबारा से बात करना चाही लेकिन मैंने DXN का नाम यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपल लोगों को बता दिया कि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। एक्चुअली वी आर डीलिंग इन ऑर्गेनिक ना, तो वी शुड प्रमोट ऑर्गेनिक। तो मैंने वहाँ पर डिफरेंस बता दिया कि ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्शन बिल्डिंग। आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। मेरा इतना अच्छा कनेक्शन हो गया है कि अब अगर मेरी एक हफ्ता लेट हो जाती है वीडियो तो लोग मुझे कमेंट करते हैं और लोग मुझे मैसेज करते हैं मैसेंजर में कि मैडम आपकी वीडियो नहीं आई, आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं।
मतलब ऑडियंस जो है ना वो खुद ब खुद मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं। ये भी क्यूरियोसिटी पोस्ट की बात हम जब करते हैं, क्यूरियोसिटी वीडियो या क्यूरियोसिटी पोस्ट क्या होती है, इसमें सिर्फ हाइप क्रिएट की है मैंने। हाइप कैसे क्रिएट की है, बिफोर और आफ्टर की एक पिक्चर लगाई अपनी, अपने बारे में लिखा कि पहले मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी और हेल्दी थी और ये था और वो था, फिर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वो मैंने यूज़ किया, मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अब मैं एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और अगर कोई भी चाहता है कि मैंने क्या किया और क्या यूज़ किया पता करना चाहता है तो वो मुझे कॉमेंट कर सकता है। तो डेफिनेटली लोग फौरी तौर पर कॉमेंट भी करते हैं और आपसे पूछते भी हैं, आपसे प्रोडक्ट भी ले रहे होते हैं। इसी तरह से ये बच्चों के साथ एक वीडियो डाली थी मैंने कि एक्स्ट्रा फ्री टाइम आपको कैसे मिल सकता है। जब मैं जॉब करती थी उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ, ठीक है ना, सुबह 9 से लेकर शाम तक ऑक्यूपाइड होती थी, अपने बच्चों के साथ इंजॉय नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, बहुत ज़्यादा अपसेट रहती थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं जब से अपना काम कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर रही हूँ, उसमें मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है जो मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फ्री टाइम मिले और आप अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय करें, घूमें फिरें और सारी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, तो आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स करें या कमेंट करें, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स बता दूंगी कि मैंने क्या किया। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी मुझे कमेंट किया कि आप बताइए कि आपने क्या किया और किस तरह से आपको फ्रीडम मिली या किस तरह से टाइम फ्री आपको मिल रहा है। एक और चीज़ है सेल बाय टीचिंग। सेल बाय टीचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। इसमें हम सिर्फ बेनिफिट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा शैम्पू है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, मैं शैम्पू नहीं दिखाऊँ कि भाई ये शैम्पू है शैम्पू ले लो। गैनो मसाज ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है हेयर के लिए भी बॉडी के लिए भी, लेकिन मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। मैंने सिंपल हेयर फॉल पर बात की, किस पे बात की, हेयर फॉल के ऊपर बात की, इंग्लिश में भी उर्दू में भी मैंने इसमें जनरल बात की। मैंने कहा भाई हेयर फॉल होने की क्या वजूहत होती हैं, किस किस वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कौन कौन से कम होते हैं, कौन से विटामिंस की कमी होती है, वो विटामिंस किस तरह से पूरे हो सकते हैं, क्या हमारी डाइट में वो विटामिंस हैं, क्या हम वो डाइट ले रहे हैं, क्या हम वो शैम्पूज और वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे बालों के लिए मौजूद हैं। हम तो केमिकल से भरी हुई चीज़ें, कलरफुल चीज़ें देख कर रंग बिरंगे उठा कर ले आते हैं और हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या वो हमें नुकसान नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ों का सवाल उठाकर फिर उसके बाद मैंने बताया कि इस चीज़ के लिए मैं बहुत अरसे से रिसर्च कर रही हूँ ऑलरेडी, और इसके अंदर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं और मैंने बहुत अच्छे सोल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हेयर फॉल का इशू है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन इसका मैं दूँगी, और जो सोल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो वो सोल्यूशन होगा क्या, वो हमारा शैम्पू ऑयल और टूथपेस्ट ये चीज़ें ही होंगी, लेकिन आपको उनको बताया आपने क्या है, आपने उनको बेनिफिट बताया है कि बेनिफिट क्या है। तो ऑलवेज टेल अबाउट बेनिफिट्स, ऑलवेज टॉक अबाउट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स जो हैं फ़ायदे जो है लोगों को नज़र आने चाहिए। बिजनेस की भी बात करनी है तो पीपल आर वेस्टिंग टाइम, टाइम पे बात करें कि टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से मैंने जनरल बात की कि आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा कामयाब ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस सूरत में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें लोग आपसे खुद ब खुद कनेक्ट होते चले जाते हैं, यानी कि मैंने सिर्फ बेनिफिट्स की बात की और लोगों ने खुद ब खुद मुझसे कांटेक्ट भी किया और मेरे साथ माशाल्लाह से ज्वाइन भी हुए। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, हम आगे चलते। लोगों को सिंपल चीज़ें पसंद है, आसान चीज़ें पसंद है और जनरल चीज़ें पसंद है। जनरल होती हैं ना, जनरल चीज़ें, घर की खाना हो गया, कोई भी अच्छी सी चीज़, कॉफ़ी आपने पी अच्छी सी, कॉफ़ी की तस्वीर लेके डाल दी, तो ये मैंने खाना अपना बनाया हुआ होता है अक्सर, तो मैं उसकी पिक्चर डालती हूँ उस पर, आप यकीन नहीं करेंगे इतने अच्छे रिएक्शंस आते हैं, इतने अच्छी इंगेजमेंट्स होती हैं, लोग इतना ज़्यादा इस पे अट्रैक्ट होते हैं जनरल चीज़ों के ऊपर भी और सिंपल चीज़ों के ऊपर भी, कि लोग आपसे खुद ब खुद कनेक्ट हो रहे होते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो आपको अपनी ऑडियंस बढ़ानी है और कुछ नहीं करना।
आप फेसबुक लाइव जब करते हैं उस दौरान आपको किन किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। आपको कैमरा में देखना चाहिए पहली बात। कई लोग होते हैं कि वो पेपर पे लिखा हुआ होता है तो पेपर पे पढ़ रहे होते हैं सर नीचे करके, ऐसा नहीं करना। अगर आपने कुछ लिखा हुआ भी है तो उस पेपर को आप अपने लैपटॉप पे या किसी चीज पे सामने रखिए और सिर्फ एक नज़र डालें पॉइंट्स को देखने के लिए, और बाकी आपकी नज़र कैमरा पे होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने क्या ख्याल करना है, क्लियरली बोलना है। जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं वो अल्फाज समझ में आने चाहिए सामने वाले को। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बोलें, जल्दी जल्दी ना बोलें, बहुत ज़्यादा लाउड भी ना बोलें। आप ऐसा बोलें कि लोगों को आवाज़ भी समझ में आए और आपके अल्फाज भी समझ में आए। क्लियर। इंट्रोड्यूस करना है आपने सबसे पहले अपने बारे में भी, टॉपिक के बारे में भी। यानी कि क्या करना होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए, जैसे कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हर लाइव वीडियो में। आई एम मेहनाज किरण, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, आई एम मॉम, आई एम एंटरप्रेन्योर एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट केयर फॉल। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे के फिर आप अपने टॉपिक की तरफ आ जाएंगे तो लोगों को अच्छा लगता है, एक फ्लो बन जाता है। तो उस हिसाब से आपने लाइव सेशन स्टार्ट करना है। टॉपिक पे फोकस करें, अपने उसके टॉपिक के अंदर जो बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स पे फोकस करें। फिर आपने जब उसके आखिर में बात करनी होती है, वो कॉल टू एक्शन कहलाता है कि आखिर में आपने जैसे लोगों को, ऑडियंस को उसके लिए एक्शन में लगाना है, उसके ऊपर अमल करवाना है, उस चीज़ को आपसे कनेक्ट करवाना है। तो फिर आप कह सकते हैं कि आप अपना फीडबैक दीजिए, आपका कि अपना फीडबैक देंगे तो उससे मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकता है कि मैं इसमें क्या बेहतरी कर सकती हूँ, या आपके लिए क्या सोल्यूशन, मजीद इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मजीद मालूम के लिए इनबॉक्स कीजिए। इस तरह की बातें लास्ट में आपने करनी है ताकि लोग आपसे फाइनली कनेक्ट हो जाए। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि गेट इन टच विद ऑल दूस, जो लोग कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके लाइव के ऊपर, लाइव सेशन के ऊपर या आपकी पोस्ट के ऊपर जो लोग कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाई तो आप करते ही हैं, लेकिन उन कमेंट्स करने वालों को इनबॉक्स में जाके भी आप उनसे बात करें कि थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, और आपसे आप क्या करते हैं अपने बारे में बताइए, और आप उनसे रिलेशन बिल्ड करें, उनसे अच्छे तरीके से बात करें। उनसे जब आपका अच्छा रिलेशन बन जाएगा, ट्रस्ट वाला रिलेशन बन जाएगा, तो डेफिनेटली या तो वो आपके कंज्यूमर बन सकते हैं या तो वो आपके मेंबर बन सकते हैं। बहुत जल्दी ना करें किसी को भी मेंबर बनाने में, बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं लोग। पहली ही फुर्सत में कोशिश करते हैं कि हम इसको मेंबर बना दें। हमें मेंबर नहीं बनाना होता डायरेक्टली, हमें सिर्फ लोगों की ज़रूरत को मालूम करना होता है और ज़रूरत को मालूम करके उसका सोल्यूशन देना होता है, उसका हल बताना होता है। इसके बाद क्या है, जिन्होंने लाइक किया हुआ होता है उन लोगों के साथ भी टच में रहें, उन लोगों को भी आप देखें जो लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, किस तरह से बात करनी है, जर्नली बात करनी होती है किसी भी बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, डीएक्सएन का नाम मेंशन नहीं करना, डीएक्सएन के प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं करना। आप अपनी एजुकेशनल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई भी लाइफ स्टाइल की पिक्चर डाल सकते हैं जिससे लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी आसान सिंपल चीज़ डाल सकते हैं जिससे लोग आपके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कोई भी इंस्पायरेशनल कोट डाल सकते हैं जिससे लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं फेसबुक के ऊपर, आप पॉलिटिक्स को अवॉइड करें क्योंकि इस पर लोग बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और डोंट शेयर एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड डोंट टॉक अबाउट रिलीजन। रिलीजन जो है, रिलीजियस पोस्ट भी आप कोई ना डालिए, यानी कि उससे मजहबी जब आप बात करते हैं उस पर भी लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं, लोग उस पर कॉमेंट नेगेटिव करते हैं, उससे आपकी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो आप हमेशा कोशिश करें ये दो चीज़ों को अवॉइड करें। फेसबुक लाइव आपको हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा लाजमी करनी चाहिए। हफ्ते में एक दफ़ा जब आप करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे जो है ना आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है और वो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती है और अपने बिजनेस को और आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक मैंने जो आपके लिए रखा था कि खवातीन के हवाले से या वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, हमारी खवातीन या हमारी औरतें, हमारी बहनें किसी से कम नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। हर मैदान में माशाल्लाह से कामयाब तरीन औरतें मौजूद हैं। आपने देखा भी है ना कि बहुत सारी अभी क्या कहते हैं
मिसालें मौजूद हैं कि जो कि एक वो मुझे इंडियन वीडियो याद आती है लड़की की, उसका नाम जहन में नहीं है, लेकिन उसकी टांगे ट्रेन की पटड़ी पे कट गई थी, लेकिन वो उसके बावजूद उसने जो है ना इतना बड़ा बड़े बड़ी बड़ी अचीवमेंट की, और वो पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर उन्होंने साबित किया कि अगर मेरी टांगे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो खवातीन किसी से कम नहीं होती। हमारे डीएक्सएन में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं माशाल्लाह, मैडम अमीरा है और आपके सामने और भी बहुत सारी मिसालें हैं, मैडम असमा मुनीर हैं, हमारी बेहतरीन लेडी लीडर हैं, तो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो सक्सेसफुल लेडीज होती हैं। एक औरत वो तमाम काम कर सकती है जो कि एक मर्द करता है, लेकिन मर्द वो सारे काम नहीं कर सकता जो कि एक औरत करती है। ये बात बहुत गहरी है, ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर औरतों की पावर को समझें कि औरतें वो तमाम काम कर सकती हैं जो कि मर्द करते हैं, लेकिन मर्द वो सारे काम नहीं कर सकते कि जो कि औरतें करती हैं, तो इसलिए औरतें ज़्यादा पावरफुल है। अल्लाह पाक ने औरतों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है, नरम जान बनाया है, लेकिन मर्दों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, सख्त जान बनाया है। लेकिन आपको पता है जब भी कोई इम्तिहान होता है, जब भी कोई एक मुश्किल होती है, औरत को हमेशा स्ट्रॉन्ग पाया गया है। औरत के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने पावर रखी है, मल्टी टास्किंग रखी है। तो एक्सक्यूज मी, तो आप लोगों से गुजारिश है औरत की इज्जत करें, रिस्पेक्ट अ वुमेन। क्यों करेंगे इज्जत आप? इसलिए कि एक माँ है औरत, माँ के साथ साथ एक बहन है, सारे रिश्ते पाक हैं उसके साथ, बेटी है या बीवी है किसी की, तो ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर आप औरत को इज्जत देते हैं तो औरत और भी स्ट्रांग बन जाती है, औरत और भी पावरफुल बन जाती है। औरत को पावरफुल करने के लिए आपको क्या करना है? औरत को इज्जत देनी है, औरत को मुकाम देना है। औरत को अगर आप इज्जत देंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से औरत को स्ट्रांग कर सकते हैं। स्ट्रांग अगर औरत बन गई है और स्ट्रांग वुमेन है तो स्ट्रांग वर्ल्ड कर सकती है, पूरी दुनिया को, पूरे खानदान को स्ट्रांग कर सकती है। औरत की पावर से पूरा खानदान स्ट्रांग हो सकता है इंशाल्लाह ताला। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि हमारे डीएक्सएन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से खवातीन के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है, और हम मैं खुद भी डीएक्सएन में मौजूद हूँ। और ये जो इज्जत वाली बात मैं कर रही थी ना, ये हर औरत चाहती है। तो मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि डीएक्सएन से बेहतर प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है जहां पर औरत को इज्जत दी जाती है। जो इज्जत और जो मुकाम मुझे 4 सालों में डीएक्सएन में मिला है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला कहीं और। तो मैं डीएक्सएन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, डीएक्सएन फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार इज्जत यहाँ से मिली है। हाँ, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। और ये बात सुनकर मर्दों को थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन ये ज़रूर बात है कि ये बात मानने की है। जब भी कोई मर्द कामयाब होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हमारी औरतें छुपी रुस्तम होती हैं, इसलिए उनको पहले सामने आकर बिजनेस करना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए कि वो कर सकती हैं। जब खवातीन के रोल की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो आपको ये बताती चलूँ कि दुनिया में बेहतरीन प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें खवातीन बहुत बड़े पैमाने पे माशाल्लाह ऑलरेडी काम कर रही हैं। तकरीबन अप्रोक्सीमेट 75% नेटवर्क मार्केटर जो लेडीज़ हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, मौजूद हैं अभी ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में। पाकिस्तान में थोड़ी कम है, अभी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी हमारी बहनें आए और आगे बढ़ें और इसी तरह से डीएक्सएन के बिजनेस को चूज करें। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत बेहतरीन बिजनेस है, इसमें आके शामिल हो। क्यों करना चाहिए इसको चूज, इसमें क्या क्या फायदे उनको मिल सकते हैं, वो कुछ फायदे मैं आपको शेयर करूंगी। खवातीन में बहुत ज्यादा मल्टी टास्किंग होती है, मतलब यानी कि वो क्या करती हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकती हैं। एक तरफ खाना बना रही है, दूसरी तरफ वो फोन को भी देख रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, बाजार से कुछ लाना है वो भी ले आती हैं, बिल जमा कराने हैं, कुछ और करना है, वो सारे काम मैनेज कर लेती हैं। तो खवातीन ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो बेहतरीन सबसे पॉइंट है खवातीन के लिए कि ये मोर वर्क लाइफ बैलेंस है, यानी कि लाइफ को बैलेंस करना बहुत आसान है। अपनी फैमिली का टाइम फैमिली को देना है, अपने बिजनेस का टाइम बिजनेस को देना है, अपने बाहर का टाइम बाहर देना है, जो भी आपने टाइम को मैनेज करना है, स्केड्यूल करना है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जबकि नौकरी में नहीं कर सकते, सुबह से लेकर शाम तक उसमें हम ऑक्यूपाइड होते हैं। फ्रीडम होती है यहाँ पर, फ्रीडम कौन कौन सी फ्रीडम होती है जनाब? पांच पांच किस्म की, छह किस्म की फ्रीडम यहाँ पर हमें मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहली फ्रीडम खवातीन को चाहिए होती है टाइम की, क्योंकि अक्सर जब मैं औरतों से बात करती हूँ कि आप डीएक्शन क्यों नहीं कर रही, आप बिजनेस क्यों नहीं कर रही, तो वो जवाब ये देती हैं कि मैडम हमारे पास टाइम नहीं। अक्सर खवातीन ये जवाब देती हैं कि हमें इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की, और अक्सर खवातीन बोलती हैं कि ऑफिस बहुत दूर है। तो ये तीनों का जवाब मैं बहुत प्यारा जवाब आपको देती हूँ डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे कि भाई हमारे डीएक्शन के बिजनेस में फ्रीडम है, ये तीनों चीज़ों से आप बचे हुए हो। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप अपनी मर्जी के टाइम में काम कर लो, कोई मसला नहीं है, हम आपको सुबह से लेकर शाम तक बाउंड नहीं करते हैं। हम आपको कहते हैं अपनी लिमिट में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे जो आपके पास फालतू टाइम है वो आप निकाल के काम कर लीजिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती है, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से बैठ के काम कर सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकती हैं। और तीसरी वाली चीज़ का भी यही जवाब है कि दूर, अगर लगता है किसी को कि ऑफिस बहुत दूर है, तो वो ऑनलाइन वर्किंग को प्रमोट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, और बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे कर भी रही हैं। तो ये तीन जवाब तो आपको मिल गए, इसके अलावा भी मैं आपको फ्रीडम बताती हूँ। नौकरी के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं अपने बॉस को, अब बॉस अच्छा भी होता है बुरा भी होता है ना, बॉस के ऊपर आप कभी वो नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं, आप खुद सेल्फ बॉस हैं, आप खुद बॉस हैं। आप खुद जब एक एज अ बॉस काम कर रही हैं तो आपको क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को जवाब देने की, किसी से इजाज़त लेने की, यानी कि किसी से मैं इतने बज के इतने मिनट पे आऊँगी, इतने बज के इतने मिनट पे जाऊँगी, छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप फ्रीडम है, आज़ादी है, दिमागी जहनी सुकून है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खवातीन हमारे यहाँ पे आगे बढ़ सकती हैं। तो इस बिज़नेस को खवातीन ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, घर से बैठ के कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्यूटी पार्लर वाला बिजनेस करें, नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो सकती है घर से बैठ के, नेटवर्किंग भी हो सकती है, पार्लर का काम भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दुनिया का हर काम हो सकता है। अच्छा एक और मैं बात बताती चलूँ, इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हो ना इसको, जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने बताया इसमें कोई बॉस नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली कर रही होती हैं, इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो लो स्टार्टअप है आपका, पूरा मंथली कोई एक्सपेंस नहीं है एक्स्ट्रा, कहीं आएंगी जाएंगी नहीं तो खर्चा बचेगा। आपको पता है लॉकडाउन के दिनों में मैं खुश हो रही थी, मैंने कहा यार मैं कहीं गई नहीं हूँ 4 महीने 5 महीने, पेट्रोल का खर्चा कितना बच गया, पेट्रोल का खर्चा तो हुआ ही नहीं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। अच्छा खासा खर्चा हो जाता है जब इंसान जाता है डेली, गाड़ी निकालता है जाता है, पेट्रोल का खर्चा हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल ये खर्चा हमारा बहुत ज्यादा सेव हो गया इसमें, तो हमें घर से बैठ के काम करने में ज्यादा आसानी है। इसमें क्या है, रिवॉर्ड्स बहुत जबरदस्त होते हैं, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स भी विन कर सकती हैं, बोनसेस मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छा इसमें रिवॉर्ड्स हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में मिल रहे होते हैं खवातीन को। तो खवातीन के लिए इसलिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, घर से बैठकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। तो सारी बहनें मेरा ख्याल में तैयार हो गई होंगी बिजनेस करने के लिए। मैंने अपनी बहुत प्यारी प्यारी बहनों के लिए लेडीज का एक बहुत बड़ा इवेंट किया था पाकिस्तान में डीएक्शन का, इसमें तमाम डीएक्शन की लेडीज हैं, ये हमारी सारी डीएक्शन की लेडीज हैं, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन 150 लेडीज थी। हम लोगों ने वहां पर पूरा लीडरशिप कैंप किया था लेडीज का, माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया था उस लीडरशिप कैंप के अंदर। मैंने जो है वहाँ पर लर्निंग भी थी, फूड भी था, एंटरटेनमेंट भी था, खूब इंजॉय किया था, पूरे डीएक्शन की तमाम लेडीज थी और बहुत मजा आया था। इसमें सक्सेसफुल टूर रहा था, ये हुआ था जनवरी 2019 में, पूरी बसें 3 बसें भर के गई थी और इतना मजा आया था मैं आपको बता नहीं सकती। और ये आइडिया मैं बताती चलूँ यहाँ पर शेयर करना चाहिए ना, मैं डीएक्शन मिडल ईस्ट में हर साल लीडरशिप कैंप अटेंड करती हूँ, तो मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थैंक यू कहती हूँ डीएक्शन मिडल ईस्ट को और वहाँ की मैनेजमेंट को, वो इतना जबरदस्त लीडरशिप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो लीडरशिप कैंप ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, उसके लिए मैं भाग भाग कर जाती हूँ डीएक्शन मिडल ईस्ट का लीडरशिप कैंप अटेंड करने। तो उसी को देख कर मैंने इसको कॉपी किया था, उसी को देख के मैंने यहाँ पर ये किया था एंड बहुत सक्सेसफुल रहा था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत रखी थी और बहुत अच्छा हुआ था, लेडीज की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक था, सब लोग खुश हो गए थे।
खवातीन देखें, नेटवर्क मार्केटिंग की लेडी रही है, बिजनेस एकेडमी है बहुत बड़ी हमारी जहाँ से मैं सीख भी रही हूँ, वहाँ पे सारी लेडीज लेडीज ही हैं, सिर्फ लेडीज इतना बेहतर कर सकती हैं इस बिजनेस को। अगर आप लोग चाहते हो अपनी टीम को बेहतर बनाना है ना, मैं आप लोगों को गारंटी से बोल रही हूँ, 6 अच्छी सुलझी हुई लड़कियाँ, 6 लेडीज अपनी टीम में रख लें। अगर आप कामयाब नहीं हो तो फिर आप मुझे बोलिएगा, 6 लेडीज को अपने साथ ज्वाइन करवाइए, इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि लेडीज जो है ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ और पैशन के साथ काम करती हैं, इंशाल्लाह ताला जरूर आप कामयाब होंगे। लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने बहुत ग्रेट 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 मेंटर्स को, ये दोनों मेरे बहुत ज्यादा काबिले एहतराम मेंटर्स हैं, मिस्टर मोहम्मद फातिमी गनी एंड सोनिया स्ट्रिंगर। मिस्टर मोहम्मद फातिमी गनी तो शुरू से ही हमारे मेंटर हैं, डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर हैं हमारे माशाल्लाह, और इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इन्होंने बहुत गाइड किया है, सपोर्ट किया है, और मैं ये बताती चलूँ कि इन्होंने ही मुझे सोनिया स्ट्रिंगर की एकेडमी का बताया था, तो मैंने वो भी ज्वाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है, और मेरे जो रिजल्ट थे उसमें बहुत अच्छा 100% कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बोलने में, मेरे चलने में, मेरे काम करने में, मेरे टीम के साथ एटीट्यूड में, हर चीज़ में बहुत बेहतरी आई है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, और थैंक यू सो मच मिस्टर फातिमा गनी एंड सोनिया स्ट्रिंगर। एंड क्वेश्चन आंसर अगर किसी के भी हो तो आप लोग कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी ये सेशन अटेंड किया है, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और ये मैं बताती चलूँ कि डीएक्सएन मिडिल ईस्ट का, बॉबन सर का और सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बॉबिन सर कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। Thank you so much, Madam Menas Kiran. It was a nice session. Within 1 hour, you completed. There are only comments from various leaders, and only one question. That is, daily income कैसे बनाएंगे और monthly income regular करने के लिए क्या तरीका है? एक question आया हुआ है। जी जी बहुत अच्छा question है। देखिए बेटा, daily income बनाने के लिए तो आपको selling पे और product पे काम करना होता है, लेकिन उसको planning के साथ करें। अक्सर लोग होते हैं कभी एक दिन प्रोडक्ट बेच दिया, दूसरे दिन नहीं बेचा। मैं कहती हूँ वन प्रोडक्ट डेली पे काम करें। अगर आप वन प्रोडक्ट, अभी आप लोगों ने वो $1 वन चाइल्ड वाला निकाला, मुझे बहुत पसंद आया ना, ये बहुत अच्छा है। छोटा छोटा जो चीज़ होता है ना बॉबिन सर, वो बड़ा हो जाता है बनकर। अभी हमारा यहाँ पर क्या है कि अगर एक प्रोडक्ट आप डेली सेल करते हो तो महीने का 300 पीवी भी हो जाएगा और डेली का रिटेल सेल भी निकल जाएगा। तो डेली का प्रॉफिट कमाने के लिए डेली का एक प्रोडक्ट बेचना। आप अगर एक प्रोडक्ट बेच सकते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, अगर आप एक प्रोडक्ट नहीं बेचते हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि मेरा तो माशाल्लाह से आप यकीन करेंगे 3-3, 4-4 हज़ार पीवी, 2-2 हज़ार पीवी अपने पर्सनल हो जाते हैं। तो आप अपनी सेल को कितना बढ़ा रहे हो, आप अपने अपने अपनी बात को कितना बढ़ा रहे हो लोगों तक, तो ये ज़्यादा बेहतर है। डेली एक प्रोडक्ट जहन में रखो और उसको सेल करना लाजमी है, बेशक एक कॉफ़ी का पैकेट। अभी एक लड़की है मेरे साथ ज्वाइन किया, उसने उसको मैंने कहा कि बेटा आपको कितनी इनकम चाहिए, कहती है मैडम डेली का अगर मुझे 100 रुपये अभी मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा है। मैंने कहा सिर्फ 100 रुपये? कह रही हाँ, मुझे महीने के हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको बोला कि ये कॉफ़ी का पैकेट इतने का आता है, इसको आप इतने का सेल करेंगी, 500 आपको डेली का बचेगा। डेली सिर्फ एक पैकेट बेचना है, 20 साशे होते हैं, 20 लोगों को अगर एक एक साशे भी दे देती हो तो तुम्हारे पास 500 डेली का बचेगा। मैंने कहा ओके है, तो वो बंदी हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर रही थी मेरा, बोल रही थी कि भाई 500 रुपये बहुत होते हैं मैडम, आप 100, मैं तो 100 रुपये का सोच रही थी, आपने मुझे 500 रुपये का आइडिया दे दिया। और वो 1 या 2 घंटे में बेच देती है भाई एक पैकेट, 1 घंटे में बेच के आ जाती है, बोलती है बेच दिया भाई, अब आगे अगले दिन की तैयारी करती है। पीवी भी डेली के आ रहे हैं और पैसे भी डेली के आ रहे हैं, तो ये तो आप इसमें करेंगे। और मंथली प्लानिंग के लिए, मंथली बोनस को इंक्रीज करने के लिए अपने जैसे कम से कम 6 लोग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी बन जाएं, लेकिन 6 लोग अगर आप जैसा काम कर रहे हैं, अगर आप 300 पॉइंट कर रहे हैं, आपकी टीम में भी 6 लोग 300 पॉइंट कर रहे हैं और यही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आराम से आपका बोनस बहुत अच्छा आएगा। अपना बोनस इंक्रीज करने के लिए डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। डुप्लीकेशन करने के लिए वो काम जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपनी टीम से करवाऊँगी। वो कैसे करवाना होता है वो प्यार से ही आप उनको गाइड कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये हो नहीं सकता था, 300 पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया था तो लोग कहते थे 300 पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। लेकिन जब 300 पॉइंट के लिए मैंने जब आइडियाज दिए तो लोग कहते हैं बहुत आसान है। तो आप इस तरह से काम करें कि आपको आसान लगे। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, अगर कोई और क्वेश्चन है तो। वन मोर क्वेश्चन, वन साना शेख,
शी इज आस्किंग दैट ज्ञानोशी सॉप बेचने के लिए जब जाएगा लोग उनसे पूछता है काम करता है नहीं करता है, तो डिसअपॉइंट हो जाता है, उसको कैसे ओवरकम करेगा? उसको बोलो कि एक मिनट वेट करो, डेमो करके दिखाते हैं तुमको। मेरी प्यारी बहन सना शेख, आपको मैं बताऊं कि ज्ञानोशी सॉप हमारा ऐसा बेहतरीन सॉप है ना, ये तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आंखें बंद करके बेच सकती हैं, बहुत बेहतरीन सॉप है। और मैं कसम से बता रही हूँ कि आई एम शॉक्ड टू टेल यू कि इस महीने की बिगिनिंग में और लास्ट महीने के आखिर में कोई 40-50 साबुन मेरे निकले हैं। मुझे नहीं पता लोग मेरे से साबुन क्यों मांग रहे हैं, सब लोगों को सोप अच्छा लग रहा है हमारा। तो आपको करना क्या है, सोप के लिए डेमो करवाओ आप, इसका जो है ना उसी वक्त उसके फेस को हल्का सा वेट करके इसका सोप का मसाज दो, क्रीम बना के उसका बहुत अच्छा क्रीम बन जाता है। 5 मिनट तक उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज दो, उसके बाद उसका वॉश करवाओ, उसको बोलो बिफोर और आफ्टर का चेहरा देखो मेरी प्यारी बहन, फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। हमारा साबुन तो एक ही दफा में फर्क डाला देता है, फर्क दिखा देता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही दफा में डेमो करके उनको रिजल्ट दे सकती हैं। तो बेफिक्र होकर आप अपने साबुन पे सोप पे काम करें, सोप बहुत बेहतरीन सोप है, फेशियल ब्यूटी फेशियल सोप है ये हमारा। जब से मैंने डीएक्सएन को ज्वाइन किया है, मैंने डीएक्सएन में आने के बाद कभी भी ब्यूटी पार्लर से फेशियल नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन का सोप यूज करती हूँ या कोई हमारा अपना ही प्रोडक्ट होता है तो उसी से क्लेंजिंग वगैरह कर लेती हूँ, वरना मैं ब्यूटी पार्लर जाना ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं करवा रही होती हूँ। तो आप लोगों को यही बताऊंगी कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और आप इनको फोकस करें और अच्छे तरीके से बेफिक्र होकर इनको सेल आउट करें। थैंक यू मैडम, इट वॉज एक्सलेंट सेशन। मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी जी। तो बहुत पैशनेटली आप डीएक्सएन बिजनेस डेवलप कर रहे था, बहुत कम टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड पोजीशन में पहुंच गया। आपका क्राउन एम्बेसडर का टारगेट कब तक है? अल्लाह, ये वैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन आपने पूछा है, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं जब आती हूँ मिडल ईस्ट में तो आप बहुत अच्छा सिखाते हैं माशाल्लाह, तो मैं आपको जरूर बता दूंगी कि मेरा इरादा तो था कि जल्दी हो, लेकिन अब मुझे जो नजर आ रहा है पाकिस्तान की बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से, तो इंशाल्लाह 1.5 से 2 साल के अंदर हो जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स लीडर्स एंड मैडम मेना किरण, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्राउन एंबेसडरशिप आल्सो, ऑल ऑफ योर टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान मैनेजमेंट, मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट, ऑल विल सपोर्ट यू टू बिकम ए फर्स्ट Crown Ambassador from Pakistan. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Allah Hafiz.